हमने आज उस राशन स्कीम को 79 धीरज नहीं ये क्या करते हैं जी आज 7 बजे पहले एक मिनट कुसुम जी रह गए पायल जी एक मिनट ठीक है मैं करता हूँ कार्यक्रम बहुत बढ़िया एक मिनट सर हाथ रख दी सर किसी टॉप से नहीं है बाहर से चलते हुए 2008 ये लगा के सब लोगों को भी यूनियन क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड में बालाजी के कार्य में बेहतर तरीका हो सकता है तो समाज के बारे में लोगों को छोड़ना साथ में पहले कितने सारे लोगों के जीवन दान देना अप्रैल 2021 में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को आज गणेश चतुर्थी है उसकी बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर कॉम्पिटेंट फाउंडेशन जो है उसके माध्यम से और हमारी शिमला की और एनजीओ मिलकर ये समाज का नेक कार्य कर रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा और रक्तदान महादान सब दानों में महादान अगर किसी को कहा गया है तो रक्तदान को कहा गया है। जो वॉलंटियर्स आज रक्तदान कर रहे हैं मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि वो इस नए कार्य में लगे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओस इस काम को कर रही हैं मैं उनके पदाधिकारियों को भी साधुवाद देता हूं कि वो समाज में इस नए कार्य में लगे हैं। एक रक्तदान की एक बॉटल किसी एक आदमी की जान बचा सकती और ये समाज में सबसे बड़ी सेवा है। ये रक्तदान जो यहाँ हो रहा है किसको जाएगा किसी को पता नहीं लेकिन समाज के उस व्यक्ति को जाएगा जो बिल्कुल नीडी होगा। तो इसलिए आज जो आयोजक हैं मैं उनको बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ और समाज से ये अपील करता हूँ कि समय समय पर हम सब लोग इस कार्य में सहभागी बने हम सब लोग ऐसे ब्लड डोनेशन कैंपों में आए भी और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। सर ये संस्था की ओर से आज इस इवेंट पे क्या शिमला के अलावा और भी कहीं पर ये किया जा रहा है क्या देश भर में ये इवेंट कुछ ज्यादा जगह पर भी ये शुरू किया गया है? देखिए ये कॉम्पिटेंट फाउंडेशन जो है ये लगभग जितनी मेरी जानकारी है कि 6 प्रदेशों में 25 स्थानों पर ये आज ब्लड डोनेशन का आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक है और हिमाचल प्रदेश में 5 स्थानों पर ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं। सर शिमला में जो लंगर विवाद चला है उसमें विक्रमादित्य जी की स्टेटमेंट आई है और वो क्या है?